दोस्तों, भारत में बहुत ही जल्द एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने जा रही है, जो कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में सबसे फास्टेस्ट होने वाला है। तो आइए जानते हैं ये कौन सी नई स्कूटर है और इसमें आपको क्या कुछ खास फीचर्स आपको नज़र आने वाला है। और ये नई स्कूटर है एथर 450 एपेक्स। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ओला, एथर एनर्जी, सिंपल एनर्जी जैसी कई सारी नई कंपनियां मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश कर रही है। इसी क्रम में एथर एनर्जी ने नई 450 एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक टीजर पेश किया है। आपको बता दें कि एथर एनर्जी को फाउंडर और सीईओ तरुण मेहता ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एक वीडियो भी डाली है जिसमें 450 एपेक्स स्कूटर की राइडिंग एक्सपीरियंस को बताया गया है। संभावना है कि जल्द ये स्कूटर दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री अगले साल जनवरी में शुरू हो सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि एथर एनर्जी कंपनी का ये सबसे तेज चलाने वाला स्कूटर मॉडल होगा। तेज स्पीड को पाने के लिए कंपनी नई 450 एपेक्स स्कूटर में कई सारे बदलाव कर सकती है, विशेषकर हार्डवेयर में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूटर में लगने वाली कई सारी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जा सकता है। मार्केट में अभी ओला कंपनी की S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो ये करीब 120 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड को पाने का दावा करती है। अब इस दावे को क्रॉस करने के लिए एथर 450 एपेक्स मॉडल को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की रफ्तार को क्रॉस करना होगा। माना जा रहा है कि एथर 450 एपेक्स मॉडल ये सीमा को क्रॉस कर लेगी। हालांकि तेज स्पीड होने की वजह से बैटरी पैक और रेंज की कैपेसिटी से कितना कॉम्प्रोमाइज किया जाता है ये देखने वाली बात रहने वाली है। एथर 450 एपेक्स के दूसरे फीचर्स में नजर डाले तो कंपनी की तरफ से इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जा सकता है। इसके अलावा ग्राफिक्स में कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चार्जिंग टाइम को कम करने पर कंपनी ध्यान दे सकती है। एथर की तरफ से लॉन्च होने वाली एथर 450 एपेक्स के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।